हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो की हाईलाइट्स होंगी दोस्तों, वो होगी कल की वो मीटिंग, वो रियूनियन, जहां पर देपुतादोस की मीटिंग हुई थी इमिग्रेशन और सेगुरिदा सोशल मिनिस्टर खोसे लुइस एस्क्रिवा के साथ। वहां पर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मिनिस्टर के आंसर्स रहे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एक नई हस्ती के बारे में, जो रिसेंटली हमारे रेगुलराइजेशन या यानी के जो रेगुलराइजेशन की डिमांड है उसके साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों, आज मैं कुछ समय लेकर आपका जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ आंसर देना चाहूंगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी कांग्रेसो में देपुतादोस की इमिग्रेशन और सेगुरिदा सोशल मिनिस्टर के साथ, जहां पर मीटिंग का जो मुद्दा था वो था मिनिमम वाइटल इनकम, यानी कि बेसिक इनकम का जो कानून अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पेश किया है, लागू किया है, उसको लेकर यहाँ के जो इमिग्रेशन और सेगुरिदा मिनिस्टर हैं वो अपना पॉइंट रखना चाहते थे इस कानून को लेकर, इसको जस्टिफाई करना चाहते थे। तो यहाँ पर ही कई सारी पार्टीज जो कि अवेलेबल थी उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, वहां पर उन सब में से लगभग 70% पार्टीज ने गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन किया है कि आपने जो ये कानून बनाया है इसमें आपने उन इररेगुलर इमिग्रांतेस को क्यों नहीं लिया है, जिनकी हालत यहाँ पे और रह रहे नागरिकों से बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा दयनीय है। उनका मानना यह है कि आपके इस कानून का जो मेन मुद्दा था वो था गरीबी से रिलेटेड, लेकिन आपने जो मेन गरीब लोग इस देश में रह रहे हैं, इररेगुलर इमिग्रांट्स, उनको ही इस कानून से अछूता रखा है। तो यहां पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिनिस्टर जो इमिग्रेशन और सेगुरिदाद मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सभी पार्टीज को साफ करते हुए बताया है कि हमने भले ही यहां पर सेंट्रल लेवल पर कोई डिक्लेरेशन नहीं की है इररेगुलर इमिग्रांट्स को लेकर के उन्हें मिनिमम वाइटल इनकम में इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारे से बहुत सारे अलग अलग कम्युनिदाद, बहुत अलग अलग स्टेट्स मांग कर रहे थे कि हम लोग भी उनको इंक्लूड करना चाहते हैं इररेगुलर इमिग्रांतेस को इस स्कीम के अंदर, तो यहां पर सेंट्रल ने उन सभी ऑटोनोमा जितनी भी स्टेट्स हैं यहां पर उन सबको ये आजादी दी है कि आप लोगों जो सेंट्रल से पैसा मिलेगा इस कानून को लागू करने के लिए, आप लोग पूरे तरीके से लिबरल हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि अपने यहां पर आप किन लोगों को ये पैसा देना चाहेंगे, ये सहायता देना चाहेंगे। आप लोग चाहें तो इररेगुलर इमिग्रांतेस को भी इस कानून में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने साफ किया कि भले ही सेंट्रल लेवल पर इसका घोषणा ना की हो, इंक्लूजन ना किया गया हो इलीगल इमिग्रांतेस का, लेकिन स्टेट लेवल पर अगर स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है तो वो इन इररेगुलर इमिग्रांतेस को मिनिमम वाइटल इनकम को जो कानून है उसमें इंक्लूड कर सकती है। एक पॉइंट था ये दोस्तों। और बाकी उन्होंने जो एक इंफॉर्मेशन और दी जो कि यहाँ में इमिग्रांट्स से रिलेटेड थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस्तादो दे अलार्मा के दौरान सभी जितने भी प्रोसेस से सब रोक दिए गए थे एक्स्ट्रांखेड़िया के, चाहे वो अराइगो सोशल से रिलेटेड हो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन सभी जो प्रोसेस रुके हुए थे उन सबको दिस ब्लॉकेयर किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से लागू किया जा रहा है, प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि इस दौरान जितने भी अर्जी दी गई थी उन सभी के साथ बहुत रियायत बरती जाएगी उनकी फाइल स्टडी करने में, और उनके जो क्राइटेरिया होते हैं यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं अराइगो सोशल पूरा करने के, उसमें भी उन्हें थोड़ी सी तवज्जो दी जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा उनके साथ क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज्यादा हार्डनेस उनके साथ नहीं अपनाई जाएगी, बहुत ज्यादा नरमी उनके साथ बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा कि हम लोग उन लोगों को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देंगे, उनके साथ भी फ्लेक्सिबिलाइजेशन करेंगे जिन लोगों के यहाँ पे कार्ड रेनो होने थे, यानी कि रेनोवासियन जिनके कार्ड होने थे उन लोगों के साथ भी यहाँ पर क्राइटेरिया में बहुत ही ज्यादा आसानी बरती जाएगी, ताकि उन लोगों को रेनोवासियन में प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो अपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं रेनोवासियन के, जैसे कि 6 महीने आपको काम करके दिखाना पड़ता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रही है तो वहां पर लोगों इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग उनके साथ भी रियायत बरतेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेनोवेशन सभी लोगों का कर दें, ताकि इररेगुलर की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हो सके। यहां पर दोस्तों ये तो थी बात हमारी जो कल यहां पर मीटिंग हुई। अब मैं दूसरी ओर चलता हूं दोस्तों। यहां पर कल सुबह संडे के दिन बार्सिलोना में तकरीबन 3,000 लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, एक प्रोटेस्ट जाहिर किया एंटी रेसिज्म की तौर। यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया है जो इंसान, जो अश्वेत व्यक्ति अमेरिका में मारा गया था उसकी मौत को लेकर यहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट जारी किया है। साथ ही स्पेन में हो रहे जो रेसिज्म
रेसिज्म को लेकर उन्होंने बात बोली है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पक्षपात किया जा रहा है, और इसको लेकर वहां पर डिमांड चल रही थी रेगुलराइजेशन की। 3,000 लोग इकट्ठे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो बार्सिलोना की आलका देसा है, जिनका नाम है अदा कलाउ, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना समर्थन इस मांग को, इस रेगुलराइजेशन का जो मूवमेंट चल रहा है, इसको अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बोला है कि यहां पर बार्सिलोना में किसी भी तरीके की रेसिज्म यानी कि पक्षपात की जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो इरेगुलर इमिग्रांतेस हैं, वो बहुत जरूरी जरूरी कामों में जुड़े हुए हैं, बहुत ही हार्ड तरीके के काम करते हैं, जहां पर उन्हें बहुत ही बुरे तनख्वाह मिलती है, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, और बड़े ही डर के साथ उन्हें जीना पड़ता है। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग गवर्नमेंट से इसकी मांग करते हैं, और मैं अपना पूर्ण समर्थन, मैं अपनी पूरी आवाज इस जो मूवमेंट चल रहा है रेगुलराइजेशन का, उसको समर्थन करती हूं, और साथ ही मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से मैं गवर्नमेंट के सामने आपका पक्ष रख सकूं, अपनी बात रख सकूं, ताकि रेगुलराइजेशन जल्दी से जल्दी बार्सिलोना में किया जा सके। तो ये थी हमारी दूसरी अपडेट दोस्तों। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने कमेंट्स के बारे में दोस्तों, जो कि मेरे से पिछले वीडियो में मेरे भाइयों ने पूछा था। माफ करना अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसे पूरा कर सकूं। तो दोस्तों आज जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे मनदीप जी का। मनदीप सिंह भाई ने मेरे से पूछा था कि यहाँ पर आप वीडियो किस टाइम डालते हो। अच्छा मनदीप भाई, मैं वीडियो के बारे में आपको बता दूं, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, क्योंकि मुझे जब भी कोई डेटा मिलता है, ठोस डेटा मिलता है, मैं कोशिश करता हूं उसी टाइम आपके सामने वीडियो डाल दूं। लेकिन क्योंकि आपने बोला है, तो मैं अपने सभी भाइयों को बता दूं, मेरी वीडियो अब से या तो सुबह के 12 बजे आया करेगी, या शाम को 8 बजे मैं डाला करूंगा। इसके बाद मेरे एक और भाई ने मेरे से पूछा था, शायद राहुल राणा जी थे, या मैं नाम भूल रहा हूँ भाई आपका, आपने मेरे से पूछा था कि अगर यहाँ पर अराइगो सोशल की जो एप्लीकेशन होती है, उसमें आप ही दो ना डालें तो फाइल पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जो अराइगो सोशल का जो फॉर्म होता है, फॉर्म 10, उसमें ऑप्शन तो होता है अपेइडो का, लेकिन वो ऑब्लिगातोरियो नहीं होता है। यानी कि अगर आपके पासपोर्ट में आपका सरनेम, आपका अपेइडो नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से बाध्य नहीं हो कि आप उस एप्लीकेशन में अपना सरनेम या अपेइडो लिखो। अगर आपके पासपोर्ट में नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी फाइल पर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे बहुत सारे भाइयों का मेरे से क्वेश्चन आते हैं कि सर आप प्लीज हमें बताइए कि पासपोर्ट ऑफिस खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं। तो भाइयों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में VFS ग्लोबल का नंबर दे रहा हूं, जहां पर वो आपसे हिंदी में ही बात करेंगे। आपकी जिस भी तरीके की क्वेरी हो, आप लोग वहां से बात कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि एम्बेसी और हम लोगों के बीच में काम करते हैं। तो मैं उनका नंबर, उनका लिंक वेबसाइट का अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं ज्यादा क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा सबको कवर करने के लिए। बाकी सभी आप दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है। आपके सपोर्ट से ही मुझे शक्ति मिलती है, ताकि मैं अच्छे से अच्छी चीजें ढूंढ के ला सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों अगली अपडेट तक के लिए मुझे आप इजाजत दें।